जी अस्सलाम वालेकुम मोहज़्ज़िद असातिज़ा कराम व सरकारी मुलाज़मीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में होगा, वफाकी मुलाज़मीन को 15% 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस पहले ही दिया जा चुका है, और पंजाब के जो सूबाई मुलाज़मीन हैं उनका धरना जारी था। इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचाने थे, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन की जानिब से। तो जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके जो मेन पॉइंट्स और डिटेल हैं उनसे आपको आगाह करना है। सबसे पहले आप तमाम सरकारी मुलाज़मीन और असातिज़ा कराम को मुबारकबाद काफ़ी ज़्यादा कि आपकी कोशिशें रंग ले आईं। जदोजहद कभी रहेगा नहीं जाती, अल्लाह पाक के करम से दो रोज़ के धरने के बाद हुकूमत पंजाब ने सरकारी तौर पर चार मुतालबात जो बड़े मुतालबात थे पंजाब के सूबाई मुलाज़मीन के वो मान लिए गए हैं, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ ऑफिशियली जारी किया गया है। जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, एक रोज़ कबल सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब से मुज़ाकरात हुए जो कि नाकाम रहे थे, इसके बाद आज दोबारा मुज़ाकरात हुए। पहला राउंड चुनाव चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में हुआ और दूसरा राउंड चुनाव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी I&C स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स के साथ हुआ। अगैगा की तरफ से मुंतखब कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की और जो मुतालबात मंजूर हुए हैं उनकी तफसीलात दर्ज झैल है। नंबर वन, पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन को 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 1 मार्च 2022 से दी जाएगी, तो ये विथ इफेक्ट फ्राम 1 मार्च 2022 से होगा। नंबर दो, जो दूसरा मुतालबा था स्कूल और कॉलेज असासा की पे प्रोटेक्शन का मसला अदालती फैसले के मुताबिक 30 राउंड में हल कर दिया जाएगा। और नंबर तीन पे लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स व सुपरवाइजर की अपग्रेडेशन का मामला भी 30 रोज़ में हल कर दिया जाएगा, यह यकीन दहानी कराई गई है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जानिब से। नंबर फोर की अगर हम बात करें तो स्कूल और कॉलेज में जो लैब अटेंडेंट की अपग्रेडेशन जो है वो जल्द दी जाएगी। और नंबर पाँच पे जिन सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस नहीं मिला उन्हें भी जल्द दिया जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स थे तमाम तर लेटेस्ट अपडेट से धरना के हवाले से। जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% दिया जाना है पंजाब के सूबाई मुलाज़मीन को और असातिज़ा कराम को, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि एजुकेशनल न्यूज़ के हवाले से अगर हम लेटेस्ट बात करें तो एक तो होपफुली मंडे से स्कूल टाइमिंग जो हैं वो चेंज होंगे, इससे पहले रमज़ान में ये चेंज होने थे। पंजाब के तमाम मुलाज़मीन को और ख़ास तौर पर मौजूद असातिज़ा कराम को और तमाम सूबाई सरकारी मुलाज़मीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रहें, खुशियां बांटें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल इस तरह के एजुकेशनल अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन एजुकेशन पी के। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।